हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। लास्ट वीडियो में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा था कि अगर वो एग्जैक्ट नहीं है एंड होमोजेनियस है तो कैसे उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बनाया एंड उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो उसी कंटिन्यूस में एक और क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो एम हमारा क्या होता है, dx के साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है, m हमारा यहां पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर एंड n क्या है थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा n है। अब हम क्या करते हैं, m को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। देखिए y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इट मीन्स y के अलावा जो भी वेरिएबल होगा वो एक कॉन्स्टेंट है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, केवल हमें y का डिफरेंशिएशन करना है। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, इट मींस ये x स्क्वायर माइनस, इसमें देखिए 2x कांस्टेंट है एंड y स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा y के रेस्पेक्ट में, 2y, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 2y, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4xy। ये हो गया रहा हमारा m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हम n का फाइंड आउट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो ये देखिए यहां पर 3 भी कांस्टेंट है एंड y भी कांस्टेंट है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ना, तो 3y टू एज ए कांस्टेंट हो गया एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x माइनस। अब इसमें देखिए केवल x ही ऐसा एक वेरिएबल है और कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 6xy माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो आप देखिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y डज नॉट इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस 4xy है, ये 6xy माइनस 3y स्क्वायर x स्क्वायर है, तो ये एग्जैक्ट तो नहीं है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवेन है वो किस टाइप का है, होमोजेनियस है या नहीं। तो इस वाले टर्म को पावर देखिए, टोटल पावर x स्क्वायर, x पे पावर 2 एंड y पे पावर 1, टोटल पावर 3 हुआ। इस वाले टर्म में देखिए वेरिएबल का पावर देखते हैं, कांस्टेंट का नहीं, कांस्टेंट को कोई कंसीडर नहीं करना है। वेरिएबल x पे पावर 1 है एंड y पे पावर 2, टोटल पावर 3, इट मींस ये इस पे भी पावर 3 है, 3 3। इस वाले टर्म को देखिए, इस पे पावर तो ऑलरेडी 3 है, इस पे देखिए x पे पावर 2 एंड y पे पावर 1, टोटल 3 हो गया। इट मींस हर एक टर्म, जो भी टर्म है, 1 2 3 4 चारों टर्म का पावर क्या है, 3 है। इट मींस ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस है। जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होता है और एग्जैक्ट नहीं होता है तो हमें क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होगा अगर होमोजेनियस है, तो 1 अपॉन mx प्लस ny। सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो 1 अपॉन mx प्लस ny, m हमारा यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, इस m को मल्टीप्लाई करना है x से, प्लस एन वाई स्क्वायर, एन क्या है यहां पर 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन ये एक्स क्यू वाई एंड एक्स क्यू वाई, पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये ऐसे गया एंड ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है एंड ये प्लस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, माइनस एक्स क्यू प्लस 3 x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स
प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा वन अपॉन वाई माइनस ऊपर में टू बचेगा एंड नीचे में फिर एक्स बचेगा क्योंकि ये कैंसिल हो गया। एंड फिर इसमें देखिए नीचे में एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस थ्री ओनली थ्री और कुछ नहीं डी वाई इक्वल टू जीरो। ये यहां पर वाई है ना, यहां पर मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया वाई होगा एंड ये भी वाई होगा एंड ये वाई अपॉन वाई इट मीन्स थ्री अपॉन यहां पर वाई बचेगा। तो ये हमने क्या किया कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा नया एम डैश, ये हमारा नया एन डैश, ठीक है, जो पहले एम था एन था, अब हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे, अब हम इसको कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एम डैश को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड एन डैश को एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर हम देखेंगे कि वो इक्वल है या नहीं। तो करते हैं एम डैश वाई, अगर हम देखिए एम इक्वल टू ये एंड तो ये वाला जो टर्म है माइनस टू अपॉन एक्स, ये तो कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना है मेनली वाई वन अपॉन वाई का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो वन अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि देखिए वन अपॉन वाई है, इसको क्या लिख सकते हो वाई पे पावर माइनस वन एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस वाई पे पावर माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। तो आप बस जनरल डिफरेंशिएशन है और कुछ नहीं है इसमें। तो एम डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो गया वन अपॉन वाई स्क्वायर एंड एन डैश। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने फिर से लिख दिया मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया था एंड ये एम डैश वन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स एंड ये एन डैश हो गया एंड एम डैश को डिफरेंशिएट किया माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर एंड एन डैश को अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म में कोई भी एक्स वेरिएबल नहीं, इट मींस ये टोटल कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। इस वाले टर्म में देखो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करें तो एक्स के अलावा जो भी टर्म होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा एंड ओनली हमें एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा वन होगा, तो क्या होगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। इट मीन्स देखिए एम डैश का वाई के रेस्पेक्ट में एंड एन डैश का एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वल है, इट मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा है वो एग्जैक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन दिस इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज एम का एम जो होगा एम डैश सॉरी एम डैश को हम क्या करेंगे वन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे एंड एन डैश का वो वाला टर्म जिसमें वाई ना हो, तो एन डैश का देखिए फर्स्ट वाले टर्म में तो वाई है इसको नहीं लेंगे, ये सेकंड वाले टर्म में कोई भी एक्स सॉरी एन डैश का वो वाला टर्म लेना होता है जिसमें एक्स ना हो, तो इस वाले टर्म में एक्स है इसको नहीं लेंगे, इस वाले टर्म में एक्स नहीं है इट मीन्स केवल इसको लेंगे थ्री अपॉन वाई डी वाई, इसको वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं इक्वल टू सी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वन अपॉन वाई तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट करें तो एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, तो इट मीन्स केवल हमें वन का इंटीग्रेशन करना है माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स प्लस थ्री अपॉन वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर दो इक्वल टू सी। तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स एक्स अपॉन वाई माइनस टू वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स प्लस वन थ्री तो कॉन्स्टेंट ही है वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग वाई इक्वल टू सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया एक्स अपॉन वाई माइनस टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग वाई इक्वल टू सी, ये हो गया हमारा आंसर। हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको सबसे पहले हमने चेक किया कि वो एग्जैक्ट है या नहीं, अगर एग्जैक्ट नहीं था तो हमने क्या किया पहले चेक किया कि वो होमोजीनियस है या नहीं, होमोजीनियस जब हुआ तो फिर हमने क्या किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया था, फिर ये हमारा एम डैश
एंड ये हमारा एन डैश हो गया। फिर हमने इसको भी चेक किया एंड यहाँ पर एम डैश का वाई के रेस्पेक्ट में एंड एन डैश का एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वल आया, इट मीन्स ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो चुका है अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद। एंड हमने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।